हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल सैनी। तो चलिए, राहुल फिटनेस क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉडी के मतलब हर एक पार्ट का, मतलब हर एक पार्ट को कौन कौन सा फूड ज़रूरी होता है, कौन कौन सा नहीं, कौन कौन सा लेना चाहिए, हर एक पार्ट के लिए अलग अलग फूड लेना चाहिए तो अपने स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही सोच पाएंगे, कुछ कार्य कर पाएंगे, ना ही किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। तो कुछ बताने से पहले मैं गौतम बुद्ध की दो लाइन बोलना चाहूँगा। गौतम बुद्ध ने बोला था, शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हमारा मन मजबूत स्पष्ट नहीं रहेगा, हम ये नहीं रख पाएंगे। अगर स्वस्थ ठीक नहीं रहेगा तो हम ना ही मन को मजबूत रख पाएंगे, ना ही मन यानी कि दिमाग को अस्थिर रख पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक और लाइन थी कि बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, वो एक पीड़ा है, यानी कि मौत के शाश्वत है, यानी कि वो मौत के बराबर ही नहीं। हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहेंगे, कुछ ही नहीं कर पाएंगे तो वो क्या आ गया, कुछ भी नहीं है, बस एक मौत के समान ही है। तो ये थी गौतम बुद्ध की दो लाइन। तो चलिए, अब मैं अपने शरीर को कौन कौन से पार्ट को, तो चलिए हम टॉप से बॉटम शुरू करते हैं, यानी कि ऊपर से करते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं कोई नहीं, लेकिन अपन ऊपर से शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट है अपना पहला फूड, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि अपने को ग्रीन सब्जी लेनी है। जितनी भी ग्रीन सब्जी आती है वो अपने हेयर बालों के लिए आती है, जैसे कि बंद गोभी आ गई जो ग्रीन वाली आती है, फूल गोभी, बंद पत्ता गोभी आ गई, पालक हो गया, और भी जितनी भी ग्रीन सब्जी आती है उनमें बहुत ज़्यादा लो आता है, जिससे कि अपने बालों को वाइट मतलब जो झड़ते हैं कम होते हैं वो नहीं होने दे। दूसरा आता है बेंस, यानी कि हरी फलियाँ, जितनी भी हरी फलियाँ आती है जिसमें दाने होते हैं, जैसे कि मटर हो गया, हरे मूंग हो गए, वो सोयाबीन वो हो गई, जब फलियाँ हो गई, जैसे मटरों में दाने होते हैं, चूड़ियों में भी ग्रीन वो होते हैं और भी जो ग्रीन फलियाँ आती है जिनमें दाने होते हैं ना, वो अपने को लेनी है। उनको इंग्लिश में बोलते हैं बेंस, यानी कि ग्रीन फलियाँ जिसमें गुल्ले हो, वो हो गया दूसरा। अब तीसरा आता है सैल्मन एक कॉमन नाम है, जो लगभग ज़्यादातर ये मछलियों के नाम मतलब मछलियों के अंदर पाया जाता है ये ज़्यादातर, तो मछली का नाम है सैल्मन। तो अपन सैल्मन यानी कि मछली का प्रोटीन ले सकते हैं अपने बालों के लिए, कि मछली का ऑयल भी आता है सैल्मन के नाम से, और मछली का नाम है सैल्मन, तो हम मछली का थोड़ा मीट ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। तो अपने बालों की जो भी समस्या होती है, जैसे कि बाल झड़ना, बाल वाइट होना, किसी के बाल नहीं उग रहे, किसी के वैसे हैं, तो ये उनमें काम आता है, ज़्यादातर ग्रीन सब्जी आती है। तो चलिए अगला मतलब यानी कि अगले अपना शरीर के अगले पार्ट को बताता हूँ, यानी ब्रेन यानी दिमाग, यानी कि दिमाग को कौन कौन सी फूड ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला आता है इसमें सैल्मन, यानी कि मीट आता है सैल्मन, मीट के नाम से आता है, मीट आता है मछली का एक पार्ट है, जो एक मीट बोलते से उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं वो होते हैं, तो अपने को ये लेना चलता है। और दूसरा आता है अखरोट बेनूट, यानी कि अखरोट आते हैं, अखरोट हमारे माइंड को मतलब तंदुरुस्त या मजबूत सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए अखरोट बहुत ज़रूरी होता है, तो अखरोट बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है टूना, यानी कि मछली का तेल, टूना एक मछली का नाम ही है, मछली के बहुत सारे नाम होते हैं, जेल फिश हो गया, क्रेट फिश हो गया, टूना एक मछली का नाम है जिसमें तेल आता है, तेल भी आता है, मांस भी आता है, तो वो लेंगे अपन। और इसमें है मतलब ब्रायन में आखिरी है सार्डविन, यानी कि भुनी हुई मछली, यानी कि जो मछली होती है उसको हम कच्चा भी ले सकते हैं, इसको सार्डविन यानी को हम उसको भून के खाएंगे, जैसे आग पे भून लिए या फिर तेल में फ्राई कर लिए या वैसे कर लिए, ऐसे खाना है, जैसे कि दिमाग को मजबूत और मजबूत सोचने की क्षमता, जो दिमाग की बीमारियाँ होती है या वो क्या वो जैसे कि किसी को दौरे पड़ने या वो पड़ने, वो सब इनसे फूड से आराम से आसानी से हम कम कर सकते हैं, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा दिन में मतलब सारे पार्टों को एक एक थोड़ा थोड़ा या दिन में एक एक मतलब हर वीकेंड में ये तो लेना ही चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपन सारी चीज़ें एक साथ ले लिए। तो इसके बाद है चलिए हम आँखों के लिए बात करते हैं, मतलब तीसरा पॉइंट है अपना आइज़ के लिए, रोशनी बढ़ाने के लिए या क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इसमें आता है पहला क्रॉन, यानी कि मक्का, मक्के में बहुत सारी मतलब प्रोटीन होती है, ताकत होती है, जो अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है गाजर, अंडे, मक्का,
यानी कि मक्का हो गया, गाजर हो गए और अंडे हो गए। गाजर मक्के ये अपने को साथ साथ लेने हैं, यानी कि अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। आँखों की पुतलियाँ, जैसे किसी की आँखें वो मई होती है या फिर किसी की बीमारी होती है, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरत है। मक्का, गाजर और अंडे बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद आती है मसल्स, यानी कि जो अपनी शोल्डर मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप, ये वाली मसल्स आ गई, ये वाली। तो इसके लिए अपने को कौन कौन से फूड लेना चाहिए? तो पहले आता है केला, बनाना केला आता है। केले को हम किस तरह भी ले सकते हैं, अगर वेट बढ़ाना हो तो उसको छोटे छोटे केले के पीस करके उसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं, मेवे डाल सकते हैं, किशमिश, बादाम, जो भी डाल सकते हैं। दूध में मिक्सी में करके वर्कआउट के बाद लेना है। और इसके बाद आता है लाल मीट, यानी कि रेड मीट। रेड मीट बहुत से आते हैं, मछलियों में पाते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। रेड मीट बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि मसल्स को तभी बढ़ा सकते हैं जब वर्कआउट करने के बाद मसल्स टूटती है, ब्रेन होती है, तो उनको हम रेस्ट भी ज़रूरी होता है। तो मीट या कुछ प्रोटीन लेंगे तभी हमारी मसल्स बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। इसके बाद आते हैं अंडे। अंडे में इतना प्रोटीन आता है कि वो हमारे शरीर के हर एक पार्ट के लिए, यानी कि ज़रूरी होता है, रोशनी बढ़ाने के लिए या वेन बढ़ाने के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए, मांसपेशियों को जोड़ने के लिए अंडा बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था अपना चौथा टॉपिक। तो चलिए इसके बाद अब अगले पार्ट, मतलब अगला टॉपिक ही अपना पांचवा पॉइंट है, हार्ट, यानी कि दिल। दिल के लिए सबसे ज़्यादा होता है आलू और टमाटर। आलू यानी पोटैटो, जिसके मतलब पोटैटो में इतना प्रोटीन होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, लेकिन वो प्रोटीन अपने दिल, हार्ट के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हार्ट को मतलब अच्छी तरह से काम करे, कि अपने को दिल का दौरा नहीं पड़े या फिर अटैक नहीं आए, का खून को अच्छी तरह से काम करता रहे। टमाटर एक वाटर रिच है, जिसमें पानी भरा होता है, जो अपने शरीर में लगभग 70% तो पानी है, 30% तो बाकी हिस्सा है, जैसे और भी हो गए, मसल्स हो गए, हड्डियाँ हो गई, बाकी सब 30% ही है। तो अपने हार्ट को अच्छी तरह से रखने के लिए आलू और टमाटर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। आलू आलू के साथ मतलब, यानी कि टमाटर को हम सलाद के तौर पे भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं, सलाद भी खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, यानी कि अगला छठा पॉइंट है, यानी कि सीना, जो अपना ये निचला पार्ट होता है ना, वो उसके मसल बढ़ाने के लिए या उसके ताकत बढ़ाने के लिए, फैट कम करने के लिए, इसमें बहुत बहुत है ब्रेसिली, यानी कि ब्रेसिली एक प्रोटीन वो है जो आता है कि गोभी आती है, ब्रेसिली एक गोभी आती है, जो ग्रीन गोभी, एक तो वाइट में आती है फूल गोभी जैसी, एक ग्रीन में आती है, जो अपने को ग्रीन वाली लेनी है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि अपने मतलब चेस्ट के मसल्स को, इनको बढ़ाने के लिए, और फिर बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हरी सब्जी आती है, एक गोभी आती है, हरी गोभी, फूल गोभी, तो एक आता है ब्रेसले आता है पत्ता गोभी, जो पत्ता बंद पत्ता गोभी, उसको बंद गोभी बोलते हैं, बंद पत्ता गोभी बोलते हैं, वो भी ग्रीन ही आती है, जो अपने चेस्ट को, मसल्स को बढ़ाने के लिए या फिर अपने चेस्ट को मजबूत रखने के लिए, ताकि कोई भी समस्या ना हो, फैट ना हो। इसके बाद वो आता है स्पॉट, ये ब्रेस्ट स्पॉट, यानी कि एक गोभी का नाम है पत्ता गोभी। तो अपने को ये लेना है सीने के अंदर, सीने के मसल्स को बढ़ाने के लिए। वर्कआउट के बाद ज़्यादातर बंदे चेस्ट, बाइसेप, ऊपर का बिल्डअप ही करना चाहते, यानी कि ऊपर के मसल्स को भी बढ़ाना चाहते। इसके लिए ये हरी सब्ज़ियाँ बहुत ज़रूरी होता है, इनमें हरी सब्ज़ियों में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, ताकि हम अपना मतलब मसल्स बढ़ा सके और अपनी एनर्जी बढ़ा सके। हरी सब्जियों से एनर्जी बढ़ती है। तो चलिए अगला टॉपिक बात करते हैं, यानी अगला टॉपिक अपना है लार्ज। तो चलिए अपना सातवां टॉपिक है, यानी कि सातवां, यानी कि अपने फोरआर्म, जो एल्बो से नीचे वाला पार्ट आता है, कोहनी से जितना भी नीचे वाला पार्ट आता है, ये आ गई और ये एल्बो आ गया, इसमें आ गया। तो इसमें है सबसे पहला ग्रीन टी, अपने को ग्रीन टी लेंगे। ग्रीन टी में मतलब हाई टॉक्सिन होते हैं, जो अपनी को एनर्जी देती है, मतलब अपनी एनर्जी देती है, माइंड फ्रेश रखती है, अपने का फैट भी कम करती है, फैट कम करती है, वजन घटाती है बहुत तेज़ी से। वर्कआउट के साथ साथ अगर हम ग्रीन टी भी लेंगे तो हमारा वेट तेज़ी से होगा और मसल्स बिल्डअप होगी। इसके बाद आता है सैल्मन, यानी कि वो एक कॉमन नाम है, एक मीट का नाम, यानी कि मछली है, तो सैल्मन एक मीट है, जो अपने वो लेंगे ताकि अपनी मसल्स बिल्डअप हो सके, फैट नहीं आए। तो इसके बाद आता है नीली बेरी, ब्लूबेरी, यानी ब्लूबेरी एक नीली बोर आते हैं, जैसे हल्के हल्के बोर आते हैं ना, झाड़ियों के बोर आते हैं,
वो आती है जो ग्रीन वाली आती है अपने को, वो लेना है। उसमें बहुत सारी प्रोटीन होते हैं ताकि अपने मसल्स को बढ़ा सके और फैट बहुत जल्दी फैट कम कर सके ब्लूबेरी में। तो अपने मतलब इस फोर आर्म के लिए, जो फोर आर्म बनते हैं इसके लिए और अपनी हड्डियों के मजबूत रखने के लिए, ताकि यहाँ दो हड्डियाँ मतलब दो हड्डियाँ आती है अपने एल्बो से नीचे, तो उसको मतलब मजबूत रखने के लिए कैल्शियम देने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये था अपना सातवां टॉपिक, ब्लूबेरी आपको बाज़ार में कहीं भी मिल जाएगी, आप वो ले सकते हैं। तो इसके बाद चलिए अपना आठवां टॉपिक है, यानी कि एप्स, जो अपने पेट में एप्स। एप्स वैसे सबके प्राकृतिक देन ही है, मतलब सबके पहले से शुरू से एप्स होते हैं, लेकिन एप्स तब आते हैं तब फैट बढ़ जाता है, तब एप्स दिखते नहीं। अगर फैट नहीं होगा, आप किसी को भी देखा होगा जिसके मतलब बहुत पतले से बंदे होते हैं, उनके पहले से उनको देखना, उनके पहले से ही एप बने हुए होते हैं, क्योंकि उनके फैट तो है नहीं। अगर फैट आएगा तो एप्स ऐसे ऑटोमेटिक मतलब छिप जाएंगे फैट आएंगे तो इसके लिए अपने को वो चाहिए, जैसे कि अपने को वो चाहिए, यानी कि आती है दही। दही आती है, हम दही ले लेंगे। दही अपने एप्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, एप्स को बढ़ाने के लिए, जल्दी फैट कम करने के लिए। दही में बहुत सारा प्रोटीन होता है, हम डाइट के साथ दही भी ले सकते हैं, दही या छाछ ले सकते हैं। दही में अपन दही को टेस्टी बनाने के लिए उसमें स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे काजू हो गई, बादाम हो गई, उनको पीस के डाल सकते हैं, फिर ले सकते हैं। और प्रोटीन जैसे कि अपन रोज़ एक एक कटोरी तो दही लेना है ज़रूरी है, क्योंकि दही लेंगे तभी अपना फैट, एप्स का फैट कम होगा, यानी कि पेट का फैट कम होएगा, ताकि हम एप्स जल्दी बन सकें। हम चपाती के साथ दही सब्जी या वो भी ले सकते हैं, सुबह भी लेंगे। इसके बाद आता है प्रोनेंस, यानी कि जामुन आते हैं, सूखा हुआ जामुन, जो अपने एक तो ऐसे आते हैं और सूखे, वो तो एक सीज़न ही होता है। जामुन तो ऐसे अपने को मतलब बारिश के मौसम में ही मिलेंगे, सावन में, वो तो अपने को एक दो में नहीं मिलेंगे, एक महीना लास्ट शायद एक में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद तो बाज़ार में आते बहुत कम है। तो वो सूखे जामुन तो फिर भी मिल जाएंगे, सूखे जामुन लेने हैं, ताकि उसमें प्रोटीन बहुत, सूखे चीज़ होती है ना, उसमें मेवे हो गए ना, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, सूखे जामुन में प्रोटीन होता है, जिससे कि अपने फैट बहुत तेज़ी से घटाते हैं। सूखे जामुन तो आपको कोई भी उस पर मिल जाएगा, जनरल स्टोर पर मिल जाएगा, बड़ी शॉप पर मिल जाएगा, बड़ी रिटेलर पर मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको। जामुन लेने सूखे वाले, उनको पीस के उनका चूरन बना लेंगे, फिर आराम से ले लेंगे उसको चूरन बना के दही में मिलाकर भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये था अपना आठवां टॉपिक। अब आता है आखिरी, अपने पैर यानी कि लेग्स। लेग्स के लिए क्या क्या चाहिए? लेग्स के लिए पहला तो चाहिए मिल्क। मिल्क बहुत, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, हाई का मतलब कैल्शियम सारे तत्व होते हैं, अपनी हड्डियों के लिए मजबूत रखने के लिए दूध बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें बहुत सारा कैल्शियम पाया जाता है, ताकि अपनी हड्डियाँ मजबूत रहे, अपने कमजोर नहीं है। उसके बाद आता है नारंगी, ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज एक वाटर रिच फल है, यानी कि उसमें जूस निकलता है, जिनमें भी जूस निकले वो वाटर रिच हो गया। तो अपने बॉडी में 70% पानी है, 30% ऐसे हो गया, तो नारंगी अपने को मतलब जैसे कि वाटर रिच फूड भी लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें रस निकले वो वाटर रिच फूड हो गया। तो अपने बॉडी को वाटर रिच लेना बहुत ज़रूरी है। नारंगी में ऑरेंज अपने को सलाद के साथ ले ले, ऐसे कर जब भी भूख लगे ऐसे ले ले। तो डाइट प्लान मतलब ये था, अपने शरीर को कौन कौन से पार्ट को कौन कौन सा फूड ज़रूरी होता है, अपने शरीर को हर एक पार्ट के लिए अलग अलग फूड है, तो हम सबको एक साथ या फिर ऐसे भी मिला के भी ले सकते हैं। आपके पास पैसे की कमी ऐसे हो तो हम ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल भी ले सकते हैं, यानी कि जो देसी वेजिटेबल आती है, जिसमें ग्रीन सब्जियाँ हो गई, फल हो गए, सब्जियाँ हो गई। हमारे पास हाई प्रोटीन के पैसे नहीं होते, तो हम लो प्रोटीन के लिए मेवे भी हो गए। अगर मतलब आपके पास हाई प्रोटीन के पैसे नहीं है, तो मैंने लो मतलब कम पैसों के लिए भी वीडियो बनाया है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कम पैसों में कम डाइट प्लान, मतलब सस्ता डाइट प्लान है, तो उसमें देख सकते हो आप, वहाँ मिल जाएगा आपको, मैं उसका लिंक डाल दूँगा। तो ये था अपने बॉडी को कौन कौन से पार्ट को कौन कौन सा फूड ज़रूरी होता है, ये था अपना। तो अपने शरीर को मजबूत या मसल्स को बिल्डअप रखने के लिए वर्कआउट के बाद अपने को 15 या 20 मिनट बाद प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन में बहुत सारी चीज़ें हो गई, कई बंदों की परेशानी आती है कि हमारे पास पैसे नहीं है हाई प्रोटीन के लिए, तो हम प्रोटीन कैसे लें। तो मैंने कम पैसों में बजट में सस्ता डाइट प्लान भी बनाया है,
वीडियो आप जाके देख लेना, आपको मिल जाएंगे। देसी वेजिटेरियन, शुद्ध वेजिटेरियन है, हाई प्रोटीन का मतलब हाई प्रोटीन जो बिना वेजिटेरियन जो होता है जो मांस, उनका मैं अगला वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना कौन कौन से फूड हाई प्रोटीन के होते हैं। लो बजट के लिए तो मैंने बना ही दिया है। तो ये था अपने शरीर के बारे में जानकारी, फूड के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जब भी आपको मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो में जाके देख लेना। और अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ भी कुछ कमी या कुछ भी कुछ रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि क्या, मैं आपको जवाब दे दूँगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।